ये दोस्तों आप देख सकते हैं, या ये तो आपको जो मैं आपको ये खास चीज़ जो मैं आपको दिखाने लाया हूँ, ये जो पैरापेट है इंदौर मेट्रो में, एक जो ख़ास बात रहेगी कि इसमें जो है कि चलेगी कैसे, ये अक्सर कुछ लोग पूछते हैं, क्योंकि इसमें अभी तक जो वायरिंग जो है ओवरहेड वो अभी तक हुई नहीं हुई है, ना ही कोई पोल वगैरह लगाए गए हैं, तो ये लोग अक्सर पूछते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसके लिए क्या थर्ड रेल जो है वो इसमें बिछाई जा रही है, ये जो आपको सिल्वर कलर की जो ये आपको दिख रही है, ये इसको थर्ड रेल कहते हैं। और इस थर्ड रेल से जो है ये मेट्रो ट्रेन कनेक्ट रहेगी और इसी से इसको बिजली मिलेगी। तो थर्ड रेल जो है जो पूरी वायरिंग है बिजली की, ये जो पैरापेट जो लगा है दोस्तों, ये पैरापेट से ये यहीं पे ये फिट की जाएगी वायरिंग, ये आगे काम चल रहा है। मैं कभी अगर वहाँ पे जा पाया तो आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है, क्योंकि मैंने अभी तक ओवरहेड वायरिंग से ही मेट्रो चलते हुए देखी है, लेकिन इसको ये थर्ड रेल, ये इसको थर्ड रेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेल जैसी ही बिछती है। ये देखिए, इसलिए इसको थर्ड रेल वाली ही ये तो कहा जाता है। और इंदौर में इसकी व्यवस्था जो है वो की गई है। ये बड़ी एक यूनिक फीचर है दोस्तों, यहाँ पे वायरिंग आ जाएगी, बिजली कंपनी से जो है वो बिजली दी जाएगी, और जो मेट्रो का जो उसका इंजन रहेगा वो इससे कनेक्ट रहेगा, उससे टकरा के चलेगा, और जो बिजली है वो उसको यहाँ से मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा फीचर रहेगा इंदौर मेट्रो का। और ये चूँकि अभी जानकारी मिली, मैंने सोचा बिना वक्त गवाए ही मैं ये जो वीडियो है वो आपके लिए बना लेता हूँ। मेट्रो ट्रैक आप देख ही रहे हैं, ये थर्ड रेल देख लीजिए दोस्तों आप, ये उधर वाली लाइन की यहाँ डल रही है और ये वाली लाइन की जो है वो यहाँ डल रही है। बड़ा ही खूबसूरत है दोस्तों, यहाँ पे आना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये खुली, ये पूरी खुली हवा, ये आप देखिए सुपर कॉरिडोर के आसपास पूरी ग्रीनरी है, बारिश चुकी हुई है, अभी सीज़न है बारिश का, बहुत ही खूबसूरत यहाँ आके लग रहा है दोस्तों। ये आप लोगों के लिए यहाँ आया हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखा सकूँ। और ये जो मूवमेंट है दोस्तों काम का, ये काम का जो मूवमेंट है वो यूट्यूब पे दर्ज हो जाए, आप लोगों के जहन में हो जाए कि इंदौर मेट्रो का जो काम है ये इसका ये कितनी गति से होता रहा और किस तरह हुआ, और भविष्य में जब हम सब जब इस मेट्रो कॉरिडोर से गुजरें तो हमें पूरी एक एक चीज़ जो है वो दोस्तों वो पूरी याद रहे। तो दोस्तों ये वीडियो आप कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ऐसे ही नई नई जानकारी और नए नए वीडियो के लिए दिलचस्प और एक्सक्लूसिव। एक और चीज़ बताऊं दोस्तों, ये प्रायोरिटी कॉरिडोर है, मतलब ये जो काम है ये सितंबर ये तक पूरा होना है, जिसमें कि अभी मेट्रो स्टेशन जो है वो अभी इंक्लूड नहीं है। मेट्रो ट्रेन का अभी फ़िलहाल केवल एक ये ट्रायल हो जाएगा, मेट्रो ट्रेन चला के देख ली जाएगी कि यहाँ पे चल रही है कि नहीं, बाकी जो मेट्रो स्टेशन है वो चूँकि लेंदी काम है तो वो सब बाद में होता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात करूँगा। धन्यवाद, और यदि वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।